तो ये रही भाई साहब तंदूरी आटे की पानी पूरी, ये हम लोग बना रहे हैं ठीक है। और आपको देसी आटे की पानी पूरी भी आगे मैं दिखाऊंगा। ये रही देसी आटे की पानी पूरी, इसमें ना हल्के हल्के दाने हैं जो कि तंदूरी आटे में नहीं होते। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि तंदूरी आटा क्या होता है, कितने का मिलता है, कहाँ मिलता है, वो सब इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आप लोगों का क्या प्रश्न था, क्या क्वेश्चन था कि पानी पूरी का आटा क्या होता है, कैसा होता है, कैसा दिखता है और कहाँ मिलता है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को आंसर देने वाला हूँ कि पानी पूरी का आटा कैसे दिखता है और जो हम लोग नॉर्मल आटा रहता है हम लोगों का, जैसे हम रोटी खाते हैं जो, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और पानी पूरी बनाने में क्या अंतर आता है, वो सब बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ इसमें आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो ये देखिए, ये रहा तंदूरी आटा। इस आटे से हम लोग पानी पूरी अपनी बनाते हैं। आप लोगों को मैं सामने से दिखाता हूँ, मारुति तंदूरी आटा, और नीचे देखिए पूरा एड्रेस लिखा हुआ है। आप चाहे ना, ये जो कस्टमर केयर का नंबर दिख रहा है आपको, अभी मैं दिखाता हूँ, रुकिए, यहाँ पे कॉल करके पता कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। और मैं एक चीज़ और आपको ऊपर दिखाता हूँ, ये कितने किलो की है, ये आपको 45 किलो से कम नहीं मिलने वाली। और दोस्तों इसका प्राइस अराउंड 1400 से 1500 रुपये के आसपास देखने को मिलेगा। चलिए मैं आपको आटा की क्वालिटी दिखाता हूँ और क्या डिफरेंस है इसमें और रोटी वाले आटे में, वो भी आगे आपको बता दूंगा। तो ये आटा आप लोग देख सकते हो काफ़ी वाइट रहता है और खुरदुरा रहता है, मतलब चिपकता नहीं, इसके पार्टिकल्स जो है ना एक दूसरे में चिपकते नहीं है। ये देखिए बहुत ज़्यादा वाइट रहता है मैदे की तरह, लेकिन मैदा नहीं है, मैदा ना इससे ज़्यादा महीन रहता है। और जो रोटी वाला आटा रहता है, रोटी वाला आटा में क्या होता है कि शायद उसका छिलका निकाल देते हैं। ये देखिए ये रोटी वाला आटा है, इसको देखिए अभी आप पानी पूरी वाले आटे को देखिए, और अब रोटी वाले आटे को मैं आपको पैकेट खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए आपको डिफरेंस अभी ही दिख रहा होगा कि क्या डिफरेंस है दोनों में, इसको देखिएगा और इसको देखिएगा, दिख रहा है, मतलब पानी पूरी वाला जो आटा है तंदूरी आटा, वो थोड़ा एक्स्ट्रा वाइट है, आप लोग देख सकते हो वो एक्स्ट्रा वाइट ही आपको लग रहा होगा। और इसका थोड़ा सा ना इसमें मतलब वो है, इसके पार्टिकल जो है दाने छिपक जाते हैं, बट इसके नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ठीक, ये इसके देखिए आप लोग, ये काफ़ी एकदम रेत के जैसे फिसल जाता है, लेकिन इसके ना मतलब गुच्छे टाइप से बन जाते हैं, देखो इस टाइप से। अब यही एक खासियत है इस आटे की, बोल सकते हैं भाई, बाकी तो नहीं पता, अब हम लोग इसी के पानी पूरी बनाते हैं। और बहुत सारे लोग ये रोटी वाले आटे की भी बनाते हैं, ऐसी बात नहीं है, इसकी भी बनती है, बट हम लोग इसकी बनाते हैं, इसलिए मैं आपको इसका आइडिया दे रहा हूँ। आपको मैं दिखाऊँ अभी एक बार इस आटे को, देखिए थोड़ा सा ब्लैकनेस है इसमें, और इसमें आप लोग देख सकते हो बहुत ज़्यादा वाइट है और थोड़ा सा अलग अलग है। तो आपने दोनों आटों में डिफरेंस देखा कि क्या क्या डिफरेंस है। क्या होता है ना कि पानी पूरी वाला जो आटा रहता है ना हम लोग का तंदूरी आटा, उसमें ना लसापन ज़्यादा होता है। लसापन मतलब कि जब गूंथते हैं ना तो जो लसा बनता है, मतलब कैसे बताऊँ, जैसे मैदा बनता है गोंद टाइप से, वो ज़्यादा होता है। और जो आप रोटी वाला खाते हैं वो थोड़ा भुरभुरा टाइप से रहता है, जिसके चक्कर में पानी पूरी फटने लगती है जल्दी और फूलती भी नहीं है। लेकिन तंदूरी आटे में ऐसा नहीं है। आप लोग शादी पार्टी में कहीं बुकिंग वगैरह में गए होंगे तो आप लोगों ने तंदूरी रोटी खाई होगी, बटर नान, जो तंदूरी नान रहता है वो इसी का ही बनता है, इसी आटे का। तो सेम उसी आटे से हम लोग की तंदूरी आटा से पानी पूरी बनाते हैं, ताकि वो ज़्यादा टाइट रहे और क्रिस्पी रहे। अब बात आती है कितने किलो का पैकेट मैंने दिखाया कि 45 किलो का आपको पैकेट मिल जाएगा, और कितने का मिलेगा, ये अराउंड आपको 1350 से 1400 रुपये, मतलब आपके एरिया में क्या होता है उस हिसाब से। और इसका 1 किलो 2 किलो का पैकेट आपको नहीं मिलने वाला। और ये बोरी मिलेगी, कहाँ मिलेगी, किराने की दुकान में पता कर सकते हो, या फिर किसी बड़े बड़े जो गल्लेदार होते हैं, व्यापारी होते हैं, उनके यहाँ पता कर सकते हो, या फिर बोल सकते हो, तो वो लोग ऑर्डर देके मंगा भी देते हैं। और आप लोग पता भी कर सकते हो, इसकी 25 किलो की बोरी आती है, लेकिन हमारे तरफ नहीं आती, कभी आसपास के जो शहर है हमारे वहाँ आती है, लेकिन वो दूसरे ब्रांड की रहती है, सेम ब्रांड की नहीं रहती। तो हम लोग ना इसी ब्रांड का आटा यूज़ करते हैं बहुत पहले से, शुरू से। तो आप लोग ये भी एक बार पता कर लीजिएगा। तो आई होप दोस्तों आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि तंदूरी आटा क्या होता है। ठीक है, तंदूरी आटे से बटर नान बनता है, नान बनता है, तंदूरी रोटी बनती है, शादी पार्टी में आप लोगों ने देखी भी होगी, मतलब इवन खाई भी होगी आप लोगों ने बहुत सारे लोग में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।